नाम बहुत बहुत स्वागत आपको YouTube चैनल दिलीप टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। दोस्त आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में, जो किनका लिस्ट में नाम आया हुआ है और किनका रिजेक्ट किया है। इसमें अगस्त महीने में 2.5 लाख लोगों को ग्रामीण आवास योजना मिलना है, तो इसका आप नोटिफिकेशन एक पेपर कटिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो इसमें किनका मिलना है किनका नहीं मिलना है। और इसी साइट पे आएंगे, आपको चेक करके आपका नाम बताएंगे, जिसमें आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं है, अकाउंट वेरीफाइड है कि नहीं है, आपका नाम है तो रिजेक्ट है कि सही है, इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो उससे पहले चलेंगे तो एक नोटिफिकेशन के जरिए देखेंगे, एक पेपर कटिंग के माध्यम से, जिसमें क्या कह रहा है। तो इसमें देखिए, मिल रहा है आपको 13 लाख में 2.5 लाख लोगों को, ग्रामीणों को अगस्त में मिलेगा घर। तो इसमें साफ साफ दिया गया है, ये बहुत दिन पहले से रुका हुआ था जो ग्रामीण आवास योजना, उसमें 2.5 लाख लोगों को ग्रामीण आवास योजना मिलेगा। इसी में देख सकते हैं, जो मिलेगा पीएम आवास ग्रामीण के लिए, 2 वर्षों से नहीं मिला था लक्ष्य, अब जाके इसका ऑर्डर हुआ है जो 2.5 लाख ग्रामीणों को इस समय आवास योजना दिया जाए। उसी में देख सकते हैं, केंद्र सरकार से अब स्वीकृति मिलने के बाद आवास निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई है। उसी में इसमें देखेंगे, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का लक्ष्य बीते 2 वर्षों से बिहार को नहीं मिला था, इस अवधि में राज्य भर में लगभग 13 लाख आवास निर्माण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इन लाभुकों को आवास के निर्माण के आस अब जाके जगी है। ग्रामीणों को विकास के पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग में लगभग 2,50,000 की संख्या में आवास निर्माण की हरी झंडी मिल गई है, अगस्त माह से पहले से ही 2.5 लाख ग्रामीणों को आवास मिलने की संभावना है। तो इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि अब जो भी रुका हुआ था, 2 वर्षों से किसी का ग्रामीण आवास नहीं मिला था, अब हरी झंडी दे दी गई है, अब ग्रामीण आवास योजना मिलेगा। इसमें देख सकते हैं, मिलेगा शेष आवासों के राज्य के पैसे से होगा निर्माण, 2.5 लाख के अलावा शेष आवासों को निर्माण राज्य योजना के कराने का विचार किया जाएगा। इस पेपर कटिंग के माध्यम से आप समझ चुके हैं, जो पहले से 2 साल से रुका हुआ था उनको ग्रामीण आवास योजना में अब जाकर मिलेगा। इसी के बारे में चेक करना है कि आपका नाम है कि नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पता नहीं आप दिए हो, आपका नाम हो लेकिन अकाउंट वेरीफायर नहीं हो, अकाउंट रिजेक्ट हो, या किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी नाम हो आपको पता नहीं है जो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस साइट पे आपको आना है। इस साइट पे आने के बाद इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हैं, नहीं तो अपने गूगल में जाना है और टाइप करना है यहाँ पे PMAYG.NIC.IN, जस्ट सर्च कीजिएगा तो इसी साइट पे आपको लेकर जाएगा। ये तो सबसे आसान है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट इसी साइट पे आइए। तो यहाँ तक तो आ चुके हैं, यहाँ से देखिए आपको मिलेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी ग्रामीणों के लिए है, जो इस साइट पे चेक कर सके जो किनका आवास मिलने वाला है किनका नहीं मिलने वाला है। इसको इंटरफेस आप अच्छी तरह से देख सकते हैं इसका। उसके बाद जस्ट जाएंगे हम, इसका रिपोर्ट देखेंगे जो मेरा नाम है कि नहीं है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जाइएगा तो ये मिलेगा यहाँ पे आवास सॉफ्ट का ऑप्शन, उसके नीचे आइएगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, और डाटा एंट्री के नीचे जस्ट देखिएगा तो आपको एक रिपोर्ट का बटन मिलेगा, तो जस्ट इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही रिपोर्ट पे लेके जाएगा तो इसमें देख सकते हैं ABCDEF करके कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसी में आपका रिपोर्ट मिलने वाला है जो आपका नाम है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको मिलेगा एफ, एक ऑप्शन मिलेगा एफ में, मिलेगा EFMS रिपोर्ट्स, इसी के आप तीसरे नंबर पे आइएगा तो मिलेगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन अकाउंट पेज एंड वेरीफायर, तो जस्ट इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से आप अपने पूरा रिपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन अपने गांव का अपना नाम देखना हो तो उसको देखेंगे कैसे। उसके बाद यहाँ से आएंगे तो मिलेगा आपको सिलेक्शन फिल्टर का एक ऑप्शन, उसी के नीचे आपको देख सकते हैं मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके नीचे मिलेगा आपको ऑल स्टेट के लिए, आप जिस स्टेट से हैं अपना स्टेट चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ से आपका जो जिला पड़ता हो जिला सबसे पहले सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपका जो प्रखंड पड़ता हो अंचल पड़ता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट नीचे आइएगा तो आपको जिस जगह से है, जिस गांव से है, जिस शहर से है, उसका नाम सेलेक्ट करना है। इसमें सेलेक्ट करने के बाद उसके नीचे आइएगा तो आपको मिलेगा एक कैप्चा, जोड़ घटाव कुछ भी हो सकता है, तो आपका जो जोड़ घटाव हो, जैसे 24, 10, 34 होता है, इसी तरह अपना जोड़ घटाव कर लेना है। उसके बाद जस्ट सबमिट पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ से देख सकते हैं बेनिफिशियरी रजिस्टर अकाउंट फ्रीज एंड वेरीफायर रिपोर्ट यहाँ से आ चुका है।
जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से देख सकते हैं, बेनिफिशियरी नेम देख सकते हैं, बैंक अकाउंट नेम देख सकते हैं, स्टेटस इसका देख सकते हैं। यहाँ से कोई भी रिजेक्ट रीजन हो तो यहाँ से भी दिखाई देने लगेगा और यहाँ स्टेटस में भी दिखाई देगा। यहाँ देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से दिखाई दे रहा है, बेनिफिशियरी नेम दिखाई दे रहा है, जो बैंक नेम है उनका दिखाई दे रहा है, वेरीफाइड है इनका, मिलेगा तो मिलेगा ग्रामीण आवास योजना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें बैंक का नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है और वेरीफाइड है नहीं है, इसको वेरीफाइड कराना है, बैंक नेम कराना है, जाके संपर्क कर सकते हैं, इंदिरा आवास सहायक से संपर्क कर सकते हैं। बहुत ऐसे स्थिति में होंगे जो लोगों को रिजेक्ट किया होगा तो इसका स्टेटस में ही दिखाई देगा, तो स्क्रीन को हम डाउन करके उसको भी दिखा रहे हैं। तो जस्ट स्क्रीन को डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे एक आदमी का जो है रिजेक्ट दिखाई दे रहा है, तो किसी कारणवश रिजेक्ट किया हो तो इंदिरा सहायक से आप भेंट कर सकते हैं, जो किस कारण से मेरा रिजेक्ट किया है, इसमें आपको वेरीफाइड नहीं किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, तो इसका आप संपर्क कर सकते हैं जो क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, वीडियो इंटरेस्ट लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।